अब आ रही है आवाज मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं इसको ऑन करना भूल जाता हूँ चलिए दोबारा से शुरू करते हैं मैं फिर से बताता हूँ कि इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ने वाले हैं ठीक है dishonest shopkeeper dishonest merchant का जो कांसेप्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे dishonest shopkeeper मतलब बेईमान मक्कार किस्म का दुकानदार जब भी आप बेईमान दुकानदार या dishonest shopkeeper के बारे में सोचते होंगे तो आस पड़ोस के किसी राशन वाले की इमेज आपके दिमाग में बनती होगी है ना और अगर किसी के आस पड़ोस में ऐसा बेईमान दुकानदार नहीं है तो उसके दिमाग में पुरानी पिक्चरों का जो कादर खान आता था जो बेईमानी करता था कस्टमर से ठीक है वेट कम देता था ज्यादा तोलने की जगह कम तोलता था वो आपके दिमाग में मेज बनती है मतलब कुछ ना कुछ आपने दिमाग में बना रखा होगा ठीक है तो बेईमान दुकानदार होता क्या है वो कस्टमर को बोलता है कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं मतलब या तो सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर ही आर्टिकल को बेच देगा फिर भी प्रॉफिट कमा लेगा भैया अगर आप सीपी पर ही आर्टिकल को बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कैसे हो रहा है क्यों वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आप वेट कम दे रहे हो ठीक है उसका रीजन ये होता है कि आपको जितना तोलना चाहिए आप फॉल्टी बैलेंस यूज करके उसका कम तोल रहे हो आपको 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहे हो तो जो 20 ग्राम है वो आपके प्रॉफिट में जा रहा है राइट यही तो होता है तो जो वेट में हेराफेरी करता है वेट के थ्रू चीटिंग करके कमाता है प्रॉफिट उसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेईमान दुकानदार ठीक है चलिए तो हम जरा स्टार्ट करते हैं पहले आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ बेहतरीन ट्रिक्स और जो टेक्निक से बताने वाला हूँ एकदम सटीक कि तीर एकदम निशाने पर लगेगा आपका ये जो टेक्निक आप यूज करोगे तीन चार सवाल बाद आप इसमें देख सीख जाओगे और कभी भी किसी भी किसी भी टाइप के डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप आंख बंद करके केवल सवाल सुन करके सॉल्व कर दोगे मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ किस बात की गारंटी देता हूं कि आंख बंद करके केवल सवाल अगर कोई बताएगा तो आप आंसर दे दोगे चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सब आप इस टेक्निक से सॉल्व कर पाओगे एकदम सटीक स्टेप बताऊंगा ठीक है तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को जो है अपना आपका अपना चैनल समझकर आपका अपना चैनल है शेयर कर दो ठीक है अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा चलिए तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि ये सवाल है सवाल केवल एग्जाम्पल के लिए देखो सवाल क्या है शॉपकीपर टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट इज़ थर्टी परसेंट लेस वेट फाइन द प्रॉफिट परसेंट तो इसका मतलब है क्या कि वो बेच तो कॉस्ट प्राइस पर ही रहा है पर उसने तीस परसेंट कम वेट यूज किया है तीस परसेंट कम वेट वो कस्टमर को देता है राइट तो हुआ क्या कि अगर सौ रुपए का आर्टिकल था यहां पर मैंने सीपी लिखा यहां पर एसपी लिखा ठीक है यहीं से शॉर्टकट कर निकलकर आएगा आप देखना कि अगर सौ रुपए का आर्टिकल था तो वो सीपी पर ही बेच रहा है उसको मतलब एसपी भी सौ ही रुपए है ठीक है एसपी भी कितना है सौ रुपए है ठीक है पर वो तीस परसेंट कम वेट यूज करता है मतलब यहां पर जो है सौ ग्राम की जगह तीस ग्राम कम देता है

आप समझ पा रहे हो मेरी बात कि उसकी पॉकेट से सत्तर का आर्टिकल गया और उसने कस्टमर से सौ रुपए ले लिए तो जो आर्टिकल उसकी पॉकेट से गया है हमको सीपी केवल उसी का कंसीडर करना है भाई उसकी जेब से कितना गया उतने की कॉस्ट तो उसको बेयर करनी पड़ी मतलब सत्तर ग्राम आर्टिकल गया तो सत्तर रुपए उसकी जेब से गए और सौ उसको मिल गए मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा शॉर्टकट पर भी आ रहे हैं लेकिन फिलहाल ये समझिए। क्या हुआ? कि उसे 30 का इंटू हंड्रेड राइट यहां यहां तीस बटा सत्तर क्या हो रहा है यार? क्या पनौती लगी हुई है इसमें देखो तीस तो तीस बटा सत्तर तीन बटा सात कितना होता है तीन बटा सात भाई एक बटा सात होता है फोर्टीन टू बाई सेवन तीन बटा सा फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट जिसको ये याद नहीं है वो सॉल्व कर ले इसको तीन सौ को सात से डिवाइड कर दो यही आएगा फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट यानी कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बी अब इसको डायरेक्ट विथ शॉर्टकट कैसे करेंगे ये समझना ठीक है शॉर्टकट बताने जा रहा हूं सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें और नोटबुक में इसको नोट कर लें आपके बाद आज कभी नहीं भूलोगे इस इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यह भी करने की जरूरत नहीं है आप देखो आपको क्या करना होता है अगर कोई बेचते समय चीटिंग करता है अगर बेचते समय चीटिंग करता है तो आपको करना क्या होता है अगर कोई बेचते समय चीटिंग करता है चीटिंग कितने की है उसने 30 परसेंट कम दिए ठीक है अगर कोई बेचते समय चीटिंग करता है तो मैं राइट टू लेफ्ट लिखूंगा रेशियो आप जानते हो थर्टी परसेंट का मतलब क्या होता है थ्री बाई टेन है ना थर्टी बाई हंड्रेड यानी थ्री बाई टेन तो अगर बेचते समय कोई चीटिंग कर रहा है मतलब दस रुपए के आर्टिकल को तीन रुपए कम तीन दस 10, 10 ग्राम की जगह तीन ग्राम कम दे रहा है मतलब सात ग्राम दे रहा है तो आप इसको बस राइट टू लेफ्ट लिख लो काम खत्म कुछ सोचना ही नहीं है आप जो समय ना मेरी बात को आपको क्या करना है कि 30% परसेंट का मतलब थ्री बाई टेन बेचते समय अगर 30% परसेंट कम दे रहा है तो आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे दस रुपए में तीन रुपए कम तो अब जो प्रॉफिट हम निकालेंगे तो ये आपको सीपीएसपी का रेशियो डायरेक्ट मिलेगा तो हम देख पाएंगे कि यहां पर प्रॉफिट है तीन रुपए का सीपी पर सीपी कितना है सात रुपए इन टू हंड्रेड तीन सौ यानी कि फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट अभी और भी सवाल जब करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे इस टाइप की टेक्निक में क्योंकि अभी क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे धीरे धीरे आगे चलकर तो आप देखोगे कि ये टेक्निक आपके कितने काम आएगी आप खुद पाओगे कि टेक्निक बहुत बेहतरीन है और आपके बहुत काम आएगी और ये आती कहाँ से है जिससे पीछे का मैंने इससे, इसके इसके बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया राइट इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि ये टेक्निक आती कैसे है वो पिछले बेसिक देखा हमने उसके बाद टेक्निक सीखी तो क्या वाले जो, है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसको हम जड़ से खत्म कर देंगे बिल्कुल इसका जो डर होता है ना आपके दिमाग में वो बिल्कुल निकल जाएगा और सबसे आसान आपको यही टॉपिक लगने लगेगा फिर डिसऑनेस्ट वाला आप देख लेना इसको मैं रिटर्न में दे सकता हूं लिख कर कि सबसे आसान आपको यही लगेगा इससे आसान कुछ नहीं है हाँ हाँ मेन्स लेवल की डी आई वर्ड प्रॉब्लम सब हम करेंगे अभी आने वाली क्लासेस में क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी ठीक है देखो डिसोने शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज एट 800 ग्राम इन स्टेड ऑफ 1 के जी वन के का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम तो बेचते समय तो यूज करेगा ऐसा बेचते समय हजार ग्राम की जगह आठ सौ ग्राम यूज कर रहा है तो मैं क्या राइट टू लेफ्ट लिखूंगा तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ एक रुपए का कितने पर चार पर वन बाई फोर मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट बताओ कुछ सोचना है आपको कुछ नहीं सोचना बट राइट टू लेफ्ट लिख देना है खत्म हजार ग्राम की जगह कितना दिया 800 ग्राम दिया तो हजार और 800 राइट टू लेफ्ट लिख लो खत्म ये बेस्ट समय की कहानी है ठीक है आगे देखिए जरा शॉपकीपर टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूज इज ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस वेट फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अब सोचो ही मत जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी एक एक सेकंड में आंसर आना चाहिए केवल एक सेकंड का समय है आपके पास हो गया एक सेकंड का पच्चीस परसेंट का मतलब क्या होता है भाई होता है जानते तो बेचते समय पच्चीस परसेंट कम दे रहा है मतलब चार में एक कम दे रहा है तो चार माइनस एक तीन राइट टू लेफ्ट लिखेंगे हमेशा चार की जगह उसने तीन दिया तो प्रॉफिट कितने का होगा प्रॉफिट कितने का होगा वन का होगा थ्री पर वन बाई थ्री यानी कि थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और वी कैन से थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा बात समझ में आती है कि नहीं आती बताओ यस yes सोनू no? टेक्निक समझ में आ रही है धीरे धीरे आगे देखो अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ टेन परसेंट एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड टेन परसेंट चीटिंग ऑन एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंट तो इसमें ये टेक्निक कैसे लगाएंगे देखना एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स खरीदते समय टेन परसेंट की चीटिंग बेचते समय भी टेन परसेंट की चीटिंग कैटेगरी तो होती है मक्कार तो ये मक्कार वाला दुकानदार है 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 खरीदते समय समय भी खा खा रहा है, समय 10 खा रहा बेचते तो कैसे इसमें करेंगे देखो जरा समय ना जब खरीदते समय की बात है तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लेके खरीदते समय क्या होगा ज्यादा लेगा ना ज्यादा मतलब टेन परसेंट का मतलब आप जानते हो वन बाई टेन होता है वन बाई टेन खरीदते समय ज्यादा लेगा मतलब दस ग्राम पर एक ग्राम वो ज्यादा ले लेगा एक्स्ट्रा टेन इज टू क्या हो गया इलेवन ये खरीदते समय का रेशो हो गया खरीदते समय का रेशो लेफ्ट टू राइट ही लेना है और बेचते समय का रेशो राइट टू लेफ्ट ठीक है लिख देता हूं यहां पर हिंदी में खरीदते समय का रेशो और बेचते समय का रेशो खरीदते समय का रेशो आपको लिखना है लेफ्ट टू राइट एंड ये लिखना है बेचते समय का रेशो राइट टू लेफ्ट ये कन्वेंशन आप याद रखो बस खरीदते समय एक्स्ट्रा लेगा मतलब इंक्रीज होगा बेचते समय कम देगा एक्सपेक्टेशन से कम देगा मतलब डिक्रीज होगा ये भी याद रखना है तो यहां पर खरीदते समय उसने टेन परसेंट एक्स्ट्रा लिया यानी दस पे एक एक्स्ट्रा ले लिया ग्यारह बेचते समय टेन परसेंट कम दे रहा है मतलब दस पर एक कम दे रहा है मतलब टेन इश टू नाइन ये देखना है राइट टू लेफ्ट बेचते समय राइट टू लेफ्ट ठीक है बेचते समय कम देगा बस प्रॉफिट कितना हुआ इससे ये कट गया मल्टीप्लाई करना है ना ऐसे मल्टीप्लाई करना है जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट राइट वाली चीजें काट सकते हो आप तो ये कितना आ जाएगा नाइन इश टू इलेवन आ जाएगा समझ गए बात ये कितना आ गया दो रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे नौ पर टू बाई नाइन इन टू हंड्रेड वन बाई नाइन होता है इलेवन पॉइंट वन वन और इलेवन वन बाई नाइन परसेंट और यह होता है ट्वेंटी परसेंट ये मेरा हो गया इसका आंसर यानी ऑप्शन ए समझ गए बात को टेक्निक समझ में आ रही है ठीक है यस आगे मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखें अ ट्रेडर वेस्ट टेन परसेंट लेस देन इट शुड बी दस परसेंट कम देता है कस्टमर को जितना होना चाहिए उससे दस परसेंट कम स्टिल द ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट वॉट इज द मार्कअप ऑन सीपी कितना मार्कअप किया है बताइए hmm. कितना मार्कअप किया है तो देखो क्या करेंगे इसमें देखो टेन परसेंट उसने क्या दिया है कम दिया है बेचते समय तो कम देगा अगर बेचते समय कम देगा तो दस की जगह कितना दिया उसने नौ बेचते समय का रेशियो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना था बीस परसेंट यहां पर देखते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है वन बाई नाइन का वन का प्रॉफिट होता नाइन बाई इलेवन पॉइंट वन वन का लेकिन उसे तो बीस परसेंट कमाना था तो तो बहुत लालची आदमी था बीस परसेंट कमाना था तो उसने मार्कअप भी किया मतलब वो सीपी पर नहीं बेच रहा कुछ बढ़ाकर बेच रहा है कुछ बढ़ाकर बेच रहा है तो लेट्स के एक्स को वाई मार्क कर रहा है उसने बढ़ा दिया मार्कअप कर दिया मतलब एक्स टू वाई हो गया तो फाइनली ये रेशियो कितना बनेगा उसे प्रॉफिट होता है 20 परसेंट इसका मतलब होता है 1 बाई फाइव क्या होता है 1 बाई फाइव मतलब रेशियो बनेगा फाइव इस टू सिक्स है ना पांच पर एक बढ़ा दिया फाइव इंस टू सिक्स हो गया तो आप मुझे बताओ कि ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा मतलब नाइन और ये कितना आएगा टेन इन टू वाई बराबर कितना हो गया फाइव बाई ये रेशियो आएगा फाइव बाई के बराबर ठीक है तो ये बताओ कितना बनेगा x अपॉन वाई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 54 तो कितना ऊपर मार्क किया आप देखो अगर इसको हंड्रेड टू वन देता हूं ना तो कितना ऊपर मार्क किया है सौ रुपए एक्स से वाई 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 सौ से एक सौ आठ मतलब आठ परसेंट ऊपर मार्क किया है कि नहीं किया बताइए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आठ परसेंट ऊपर उसने मार्क किया है या yes सोनू क्लियर है बात समझ में आ रही सभी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है ठीक है आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ शॉपकीपर टू सेल हिज गुड्स एट एक्स परसेंट प्रॉफिट बट ही यूज इज ट्वेंटी परसेंट लेस वेट दस ही गेन्स थर्टी सेवन वन बाई टू परसेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू में बतानी क्या होगी बताइए हम्म hmm. ठीक है प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉमी देखो आपका अपना चैनल है आप जो बोलोगे वो क्लास यहाँ पर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है प्रोबेबिलिटी पी में आपको दिक्कत आती है उसकी क्लास भी प्लान कर लेंगे ये भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही क्लास आई है है ठीक शॉपकीपर टू सेल इज गुड्स एट एक्स परसेंट प्रॉफिट प्रॉफिट मुझे नहीं पता एक्स परसेंट है ठीक है मतलब कुछ उसने बढ़ा के मार्क किया है तभी तो प्रॉफिट कमाएगा लेट से ए को बी मार्क कर दिया ए को बढ़ाकर बी कर दिया तो वो प्रॉफिट हो गया उसका एक्स परसेंट यूज ट्वेंटी परसेंट लेस वेट 20%, 20 का मतलब 1 बाई फाइव बेचते समय तो कम वेट यूज करेगा भाई तो पांच में एक कम देगा मतलब पांच की जगह कितना देगा चार क्या रखेंगे राइट टू लेफ्ट एंड गेन 37 सेवन वन बाई टू परसेंट यानी कि 1 बाई एट होता है इसका इसका मतलब होता है 3 बाई एट है ना क्या होता है इसका मतलब 3 बाई एट थर्टी जो होता है वो 12.5 का तीन गुना होता है मतलब इसका मतलब 3 बाई एट होता है तो ये जो गेन कर रहा है वो गेन कितना कर रहा है थ्री बाई एट तो गेन यहां लिखते हैं फाइनल फाइनली जो होता है इनका प्रोडक्ट वो गेन आता है मतलब आठ आठ प्लस तीन कितना हो जाता है ग्यारह तो बस वही चीज ए अपन भी कैसे आएगा या तो आप डायरेक्ट कर दो एट बाई फोर भाई देखो फोर ए का मल्टीप्लाई एट है नहीं फोर ए बराबर एट है तो ए बराबर कितना आएगा देखो टू अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो एट बाई फोर भाई अगर फोर ए को एट रखोगे तो ए कितना आ जाएगा एट बाई फोर कॉमन सेंस वाली बात है फाइव बी बराबर इलेवन रखोगे तो बी बराबर इलेवन बाई फाइव आ जाएगा ठीक है तो ये कितना आ जाएगा चार से दो बार गया और ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा दस और ये आ जाएगा ग्यारह तो मतलब कितना ऊपर उसने प्रॉफिट मार्क किया था दस परसेंट ऊपर दस पर एक मार्क किया ऊपर वन बाई टेन वन ओवर टेन मतलब टेन परसेंट यानी ऑप्शन ऑप्शन डी ठीक है ऑप्शन डी क्लियर है बात समझ में आ रही सभी को मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते चले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जितना आपके लिए पॉसिबल है ठीक है चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब शॉपकीपर प्रोमिसज टू सेल इज गुड्स एट एक्स परसेंट लॉस बट ही यूज इज ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस, लेस वेट दस ही गेन्स ट्वेंटी परसेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी बताइए जल्दी से एस आई सी आई के कॉन्सेप्ट की क्लास चाहिए ठीक है एस SI आई और सी आई फिर चलो अलग अलग करेंगे क्योंकि एस SI आई में भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं सी आई में भी तो दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे हमको देखो एक्स परसेंट लॉस पर बेचता है मुझे एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं है मुझे क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता ही ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस वेट हम जानते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब होता है वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब क्या होता है वन बाई फोर पच्चीस परसेंट कम वेट यूज करा है। मतलब क्या होगा चार से एक कम करके क्या हुआ तीन हुआ समय की वैल्यू हम राइट तू लेफ्ट लिखते हैं तो चार में एक कम करके कर तो लॉस तो कर कर हुआ? हुआ मतलब A से भी कम आएगा। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड ही गेन्स ट्वेंटी परसेंट उसको गेन कितना होता है बीस परसेंट बीस परसेंट का मतलब आप जानते हो वन बाई फाइव मतलब ओवरऑल क्या हुआ उसको

किस तरीके से करना है आप ईमानदारी से बता दो अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो कि इस तरीके से कभी भी आपको डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाले क्वेश्चन बिना किसी कंफ्यूजन के और एकदम सटीक टेक्निक के साथ कभी आपने पढ़े हैं कहीं भी पढ़े हैं आप मुझे बता दीजिए अगर पढ़े हो तो अ शॉपकीपर प्रोमिसज टू सेल इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूज फॉल्स वेट दस ही गेन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर अ वेट ऑफ वन के जी ही यूज इज वॉट एक के के लिए कितना यूज कर रहा है बताइए एक के जी के लिए वो कितना वेट यूज कर रहा है आपको बताना है तो बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं करना 25 परसेंट का उसे गेन हो रहा है मतलब वन बाई फोर का गेन हो रहा है मतलब चार से वैल्यू कितनी हो रही है सीपी और एसपी का रेशियो चार से हो गया पांच भाई चार रुपए पर एक रुपए का मुनाफा या फायदा तो चार से वैल्यू कितनी हो गई पांच और जब भी हम डिक्रीज मतलब जब भी हम बेचते समय कम करते हैं बेचते समय हेरा फेरी करता है तो हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं वैल्यू यहां क्या लिखते हैं जितना देना चाहिए था देना कितना चाहिए था आप मुझे बताओ उसे कितना देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ वन के जी मतलब वन के जी उसे देना चाहिए था मतलब एक हजार ग्राम उसको देना चाहिए था दिया कितना इतना तो ये इसका कितना गुना है आप देखो 200 गुना है कि नहीं 1000 हजार बट्टा पांच करोगे 200 आएगा इसका भी 200 गुना कर दो तो कितना दिया उसने 800 दिया तो 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दिया 800 ग्राम ऑप्शन ए और बताओ क्या चाहिए इससे आसान इससे आसान तो हो ही नहीं सकता ना विदाउट यूजिंग पेन आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन

और ये भी देख लेना जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं ना बहुत जल्द कॉपी भी हो जाएगी अभी मैं लिख कर दे रहा हूं आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई न, कुछ दिन में ही आपको कॉपी करके ये टेक्निक पढ़ा देगा ये देख लेना और तालियां बटोर लेगा लोगों की कॉपी करते हैं बहुत सारे लोग एग्जैक्ट कंटेंट भी कॉपी कर देते हैं एग्जैक्ट कंटेंट जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं खुद ने प्रिपेयर किए हैं वो मैं देख लेता हूं कि लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं यार कम से कम आप कॉपी कर रहे हो तो थोड़ा चेंजेस ही कर दो या कर भी रहे हो तो किसी आदमी ने जिसने मेहनत की उसको क्रेडिट दे दो कि सर हमने वहां से सीखा है एक कटे सी तो बनती है कि नहीं हाँ तो यहां पर 80 आ रहा है आंसर ओके okay. 80 आ रहा है चलिए देखते हैं 20 परसेंट एट द टाइम ऑफ बाइंग बाइंग का मतलब खरीदते समय खरीदते समय मैंने क्या लिखा था लेफ्ट टू राइट और खरीदते समय हमेशा वो ज्यादा लेगा की जगह कितना ले लेगा चोरी छुपे पांच में एक ज्यादा ले, ले ले लेगा लेगा खरीदते होता है तो चीटिंग कैसे की बेचते समय हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं मतलब पांच रुपए पर दो रुपए उसने कम दिया पांच ग्राम पर दो ग्राम कम दिया तो पांच ग्राम की जगह कितना दिया तीन ग्राम ठीक है

ठीक है तो हम बोलेंगे ये टेन इजटू कितना आ गया नाइन टू एटीन तो मतलब आठ रुपए का प्रॉफिट है दस पर आठ रुपए का प्रॉफिट है दस पर यानी कितना है अस्सी परसेंट आठ बटा दस इंटू सौ कर दो कितना आ जाएगा अस्सी परसेंट ऑप्शन सी अस्सी परसेंट इसका करेक्ट आंसर है देख लो आप यस नो क्लियर है एट्टी परसेंट इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं शॉपकीपर मार्क्स इज गुड कस्टमर एट परसेंट बताइए अब तो मुझे लगता है एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी फोर्टी परसेंट अवअ द कॉस्ट प्राइस हम जानते हैं चालीस परसेंट का मतलब होता है चालीस बटा सौ यानी कि दो बटा पांच टू बाई फाइव होता है इसका मतलब

ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए राइट तो टू बाई फाइव वन बाई टेन ठीक है तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इतना ऊपर मार्क किया मतलब पांच रुपए की चीज को उसने कितने ऊपर मार्क किया दो रुपए ऊपर मार्क किया मतलब फाइव इज टू फाइव प्लस टू कितना सेवन फिर डिस्काउंट देता है वन बाई टेन का मतलब टेन पर कितना हो गया टेन माइनस वन नाइन हो गया राइट एट द द टाइम ऑफ ऑफ सेलिंग 800 ग्राम मतलब एक हजार की जगह मतलब हम बोलेंगे एक हजार की जगह आठ सौ दे रहा है मतलब दस इट का रेशियो बना राइट टू लेफ्ट लिखेंगे भाई एक हजार और आठ सौ का रेशियो यही होगा ना टेन टू एट राइट टू लेफ्ट लिखेंगे हमेशा जब बेचते समय की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इससे इसको काट देंगे ठीक है ये कितना हो जाएगा चालीस और ये कितना हो जाएगा तिरसठ राइट तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? हम बोलेंगे भाई यहां पर हुआ ट्वेंटी थ्री का प्रॉफिट ओवर फोर्टी इंटू हंड्रेड तो दो सौ तीस अपॉइंट चार दो सो तीस 7 चार चार इंटू पांच बीस चार इंटू सात अट्ठाईस बचेगा दो चार इंटू पांच फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर राइट बात समझ में आ गई सभी को किसी कोई समस्या परेशानी नहीं है ठीक है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से जल्दी से ट्राई कीजिए इसको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहां पर भी मिल रहा है कमेंट्स में आप उसको क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लाइव आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है क्लिक कीजिए ज्वाइन कीजिए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स ट्वेंटी परसेंट द कॉस्ट प्राइस ट्वेंटी बीस परसेंट अब तो दिमाग में चलना चाहिए पांच मतलब रुपए को एक बढ़ा दिया मतलब छ पर मार्क्स अलाउस टेन परसेंट डिस्काउंट इसका मतलब होता है वन बाई टेन मतलब दस रुपए पर एक का डिस्काउंट देकर नौ रुपए में बेचा गुड्स को सेल करते समय ही यूजेज नाइन हंड्रेड ग्राम इंस्टेड ऑफ वन के जी मतलब एक हजार ग्राम की जगह नौ सौ ग्राम दिया यानी कि दस ग्राम की जगह नौ ग्राम दिया भाई एक हजार नौ सौ का रेशियो लोगे तो टेन टू नाइन होगा राइट टू लेफ्ट लिखेंगे बेचते समय लिख रहे हैं जब बेचते समय लिख रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही इलेवन 1100 इंस्टेड ऑफ 1 के जब खरीदते समय की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो 1 के 1 वन की जगह उसने 1100 ले लिया मतलब एक हजार और ग्यारह सौ का रेशो टेन इस टू इलेवन आ जाएगा लेफ्ट टू राइट अब क्या करना है सिंपल सक्सेसिव लगाना है इससे ये कट गया इससे ये कट गया और कुछ क्या बचा फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्स तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आप चाहें तो टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में ऐसे भी देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर सोलह का प्रॉफिट हो रहा है किस पर पचास पर इंटू हंड्रेड यानी कि दो सोलह इंटू दो कितना होता है बत्तीस परसेंट का ओवरऑल जो है यहां पर उसे प्रॉफिट होगा यानी कि ऑप्शन ए बताओ इजी तरीका है कि नहीं इससे आसान क्या हो सकता है यार इसमें आपको कुछ भी नहीं करना ना वन के जी का सेलिंग प्राइस ना वन के जी का कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं निकालना इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता सबसे ईजिएस्ट सबसे आसान टेक्निक है ये राइट ठीक है चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शॉपकीपर सेल शुगर एट 18 पर के जी विच ही बॉट एट 15 पर के जी है ना एंड मतलब सीपी कितना है पंद्रह रुपए एक किलोग्राम का और एसपी कितना है अठारह रुपए एक किलोग्राम का लेकिन एक हजार ग्राम की जगह आठ सौ ग्राम देता है एक हजार ग्राम की जगह आठ सौ ग्राम देता है मतलब यहां से राइट टू लेफ्ट लिखेंगे टेन टू एट तो प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल में कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा देखो पांच से दो बार गया पांच से गया तीन बार ठीक है दो से चला गया चार बार दो से दो बार चला गया दो से चला गया नौ बार तो ये हो जाएगा सिक्स और, ये, और तीन से तीन बार काट दो इसको तो क्या बचा यहाँ टू बचा और यहाँ कितना बचा थ्री बचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ वन का प्रॉफिट हुआ टू पर वन बाई टू इन टू हंड्रेड आप करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी परसेंट का जो है नेट प्रॉफिट आएगा ऑप्शन सी फिफ्टी परसेंट ठीक कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम्म देखो

न बाई फिफ्टीन कैसे होता है किसी को नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हो छह इन टू तीन अठारह प्लस दो बीस बटा तीन परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे सौ आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा वन बाई जाएगा वैसे आपको याद होना चाहिए इसकी वैल्यू वन बाई फिफ्टीन होती है तो वन बाई फिफ्टीन का लॉस मतलब पंद्रह रुपए पर एक का लॉस तो चौदह में बेचा उसने बट ही यूज थर्टीन ग्राम इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन ग्राम तो पंद्रह की जगह कितना यूज किया तेरह यूज किया राइट right टू लेफ्ट लिखेंगे बेचते समय का जो रेशियो है उसको तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई से इसको काट दिया तो कितना रेशियो बना थर्टीन इस टू फोर्टीन बना यानी कि किस पर तेरह पर एक बटा तेरह इंटू सौ जो होता है सेवन थर्टीन सेवन नाइनटी वन बचेगा नाइन बाई थर्टीन परसेंट सेवन नाइन बाई थर्टीन परसेंट यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है अब आप खुद अपनी स्पीड देख पा रहे हो आप तुरंत मैं खुद कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं अब आंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि तो एक बार टेक्निक आपको समझ आ जाती है फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या होगा उसका मतलब क्या होगा नहीं हमें टेक्निक पता है सॉल्व हो तो गया अगला देखो अ शॉपकीपर सेल्स 60 के जी राइस एट 1200। हंड्रेड अ कस्टमर आस्क ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट एंड ही एग्री टू इट बट इंस्टेड ऑफ वन के जी ही गिवस फोर परसेंट लेस राइस चार परसेंट कम दिया है चार परसेंट चार परसेंट का मतलब चार बटा सौ यानी कि एक बट्टा पच्चीस ठीक है ये ध्यान रखना बताइए इसका आंसर सब लोग शिखर डी कब आ रहा है आएगा आएगा जल्दी आएगा हाँ जी हाँ देखो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट का मतलब by 5 का डिस्काउंट मतलब पांच रुपए के आर्टिकल को चार में बेचा ठीक है वन के जी की जगह फोर परसेंट लेस देता है मतलब पच्चीस में एक कम देता है पच्चीस में, में एक कम देता है मतलब चौबीस देता है पच्चीस की जगह राइट टू लेफ्ट लिखेंगे बेचते समय की बात है एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना कमाया है तो बस ये देख लो पांच से पांच बार गया चार से गया छह बार Six is to five, मतलब जो एक्चुअल डिस्काउंट आया वो सिक्स आया मतलब ये जो हुआ मतलब वन का डिस्काउंट मिला छह पर एक्चुअली लॉस हुआ लॉस हुआ मतलब डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को कितना वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स इन टू हंड्रेड यानी पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट और वी कैन से सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट ऑप्शन डी ठीक है सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट इज द करेक्ट आंसर आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल अ शॉपकीपर दैट ही सोल्ड द गुड्स नाइनटीन परसेंट लॉस बट ही गेन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट एक्चुअली फाइंड द वेट ही यूजेज इंस्टेड ऑफ वन के जी वन के जी की जगह कितना यूज करता है ये बताना है कुछ भी नहीं है देखो नब उन्नीस परसेंट का लॉस होता है ना मतलब सौ रुपए की चीज को उन्नीस परसेंट लॉस पर बेचता है सौ में उन्नीस कम कर दिया इक्यासी राइट right? अब वो एक वेट में भी हेरा फेरी कर रहा है मतलब इंस्टीडो वन के जी वो कुछ ना कुछ कम दे रहा है तो वन के जी मतलब कितना होता है एक हजार ग्राम और उसकी जगह वो दे रहा है कितना एक्स ग्राम मुझे नहीं पता कितना दे रहा है एक्स ग्राम मैंने मान लिया ठीक है तो ओवरऑल uh, उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है पच्चीस परसेंट का ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट होता है पच्चीस परसेंट का पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट होता है मतलब का रेशो बनेगा. का रेशो बनेगा बनेगा okay? ओके तो हम देखेंगे ये कितना ये कैसे आएगा इनका मल्टीप्लाई करके हंड्रेड एक्स कितना आएगा एट्टी वन इन थाउजेंड बराबर फोर बाई फाइव ठीक है इससे ये कट गया पांच से चला गया दो बार तो x की जगह कितना आ गया 81 into 4 into 2, 8. यानि कि 648 ग्राम वो यूज कर रहा है किसकी जगह एक हजार की जगह कितना दे रहा है 648 दे रहा है राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ये आपको पता है ठीक है तो आंसर है 648 क्लियर है अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो तो मुझे बताइए एक सवाल जो है तीस तीस सेकंड से ज्यादा कोई सवाल नहीं लेगा आपका ठीक है और आपको डर भी नहीं लगेगा अगला देखिए अब ऐसे फिगर्स क्वेश्चन में आ जाते हैं कई बार ट्वेंटी आई थिंक ये सुबह वाला क्वेश्चन है क्या मॉर्निंग वाला जो मैंने होमवर्क में दिया था मैंने बताया था कि शाम की क्लास आपको समझ में आ जाएगी तो आप आराम से कर लोगे तो वही चीज मैं अपने वर्ड पर अभी भी कहा हूं कि शाम की क्लास अगर आपने शुरुआत से देखी है अगर ये क्लास तो आपके लिए बिल्कुल दस सेकेंड का सवाल है है ना? हाँ। तो देखो पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूं ट्वेंटी मतलब क्या होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट प्लस टेन परसेंट ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको है ना प्लस टेन परसेंट और इसका मतलब होता है वन बाई एट और इसका मतलब होता है वन बाई टेन जब हम LCM लेंगे तो चालीस आएगा ऊपर आएगा पांच प्लस चार यानी नौ यानी नाइन बाई फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट मैंने अभी बताया था आपको सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट अभी बताया था सिक्स टू बाई थ्री परसेंट यानी वन बाई फिफ्टीन होता है ठीक है और इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट का मतलब आप जानते हो वन बाई नाइन क्या होता है वन बाई नाइन ठीक है आप जरा मेरी बात को समझिएगा इतमिन से सुनो एट द टाइम ऑफ बाइंग उसने इतनी चीटिंग की तो जब बाय करता है जब खरीदता है तो ज्यादा ले लेगा ज्यादा है ना मतलब 40 की जगह 40 प्लस नौ ले लेगा मतलब उनचास ले लेगा फोर्टी टू फोर्टी खरीदते समय लेफ्ट टू राइट लिखते हैं एंड बेचते समय इतने की चीटिंग की मतलब पंद्रह में उसने एक कम दिया बेचते समय कम देगा ना तो फिफ्टीन इधर और फोर्टीन इधर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बेचते समय राइट टू लेफ्ट लिखते हैं लॉस होता है इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट का यानी वन बाई नाइन का उसे प्रॉमिस करता है कि भाई मैं इतने लॉस पर बेच रहा हूं मैं तो घाटे पर जा रहा हूं तो लॉस हो रहा है मतलब नाइन से कितना हो गया नाइन माइनस वन एट हो गया तो उसका जो प्रॉफिट आएगा ओवरऑल वो कैसे निकालेंगे इनका मल्टीप्लाई करके तो हम सेवन से देखो इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सेवन टू जा फोर्टीन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन ठीक है एट से चला गया फाइव टाइम्स फाइव से चला गया थ्री टाइम्स थ्री से चला गया टू टाइम्स ठीक है 3 से चला जाएगा थ्री टाइम्स थ्री इंटू टू कितना गया तो यहां परसेंट हो हो पर, you know, क्या होता है सिक्स पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर राइट ठीक है समय राइट टू लेफ्ट करने का क्या लॉजिक है इसका वो मैंने आपको पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो मैंने सोल्व कराया था यहाँ पर बेसिक से उससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे रेशो आया था देखिए शॉपकीपर मार्क्स ऑफ इस आर्टिकल बाय ट्वेंटी एट फोर बाई सेवन परसेंट अलाउज तो ये इसका आखिरी सवाल है ये आपके लिए होमवर्क और इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन उसमें है और विद सॉल्यूशन है ताकि आप कभी भूलो नहीं उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल यूज देखना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया गया दोनों आप क्लिक कर सकते हो दोनों जगह शेयर किए जाते हैं तो ये पीडीएफ में शेयर करा दूंगा आप टेलीग्राम चैनल सुमित सर मैथ्स के नाम से है और ग्रुप भी है इस नाम से टेलीग्राम पर ठीक है सुमित सर मैथ्स ब्रैकेट में ऑफिशियल ठीक है इस नाम से जो है चैनल है आप इसमें जुड़ जाइए रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ आपको मिलते हैं और आगे से मैं कोशिश करूंगा विथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिले तो मुझे बताइए सेशन आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताना दिल पर हाथ रख के, के आप जो है चीजें सीखे कि नहीं सीखे बताइए सॉल्व करना आया कि नहीं आया आप कभी डरोगे Dishonest वाले questions जो आएंगे, honesty से, कि dishonest वाले questions से कभी आपको डर लगेगा मुझे तो नहीं लगता है लेट जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से एंड तक पूरी क्लास देख लें और पौन घंटे की क्लास है केवल पैंतालीस मिनट में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है आपको कभी डर ही नहीं लगेगा इस टॉपिक से ठीक है तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अगर तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ओके थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर कल बाय